ना होने के बाद मैंने एक दो जगह मैडम स्टेटमेंट भी किया कि ये चुनाव में मुझे मुसलमान समाज ने बहुत अच्छे तरीके से नवाजा है, इसका धागा पकड़ते हुए हमारे राज्य के डिप्टी सीएम, इस राज्य के गृह मंत्री, बीजेपी के विधायकों के एक बैठक में तकरीर करते समय बोलने लगे कि परभणी के सांसद का कहना है कि मैं मुसलमानों के वोटों से चुन के आया, तो मैं बड़ा फख्र की बात है, मैं तो गर्व से कह रहा हूँ कि मैं चुन के आया तो आया बोल रहा हूँ, प्यार किया तो डरना क्या, मैं ये बोल के बता रहा हूँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है? चौदह जून 2024 से परभणी शहर के महात्मा फुले विद्यालय गवाने हॉल, यहाँ पर परभणी की एमपी माननीय संजय उर्फ बंडू यादव साहब, जिन्होंने एमपी बनने में हैट्रिक पूरी की है और इसका जो क्रेडिट है वो तमाम जात मज़हब के लोगों को जाता है जो परभणी लोकसभा में रहते हैं, और यहाँ पर ख़ास तौर पर तारीफ करनी होगी संजय उर्फ बंडू यादव की, जिन्होंने महसूस किया कि इस बार उनकी जो हैट्रिक वो कर रहे थे उसमें ख़ास तौर पर मुसलमानों ने जो एकता के साथ, यूनिटी के साथ, तमाम जात मज़हब के लोगों के साथ मिलकर उनका साथ दिया और उन्हें भारी अक्सरियत से हैट्रिक करने में उनकी मदद की, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए तमाम जो आप मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं, महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम जो MDF और तमाम जो यहाँ पर मुस्लिम संगठना है उनका शुक्रिया अदा खुद संजय उर्फ बंडू यादव उन्होंने किया और तमाम संगठनाओं ने, MDF के जिम्मेदारों ने किया है। हमारे साथ सिद्दीक खान साहब कन्वीनर है MDF के, उनसे बात करते हैं। सर, आज का जो एक शुक्रिया अदा किया है बंडू यादव साहब ने अपने हैट्रिक को लेकर और मुसलमानों के रोल को लेकर इस इलेक्शन में जो 4 जून को रिजल्ट आए हैं, कैसे आप कैसे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ परभणी के मुसलमानों को कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने जो है अपने वोट का इस्तेमाल किया है और लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जो है मुंतखब किया है, जिसमें बिलखसूस जो है MDF और MDF से जुड़ी जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं इन सब का मुत्तफ़िक फ़ैसला था कि हम जो है परभणी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंडू यादव साहब को जो है उनकी तायद में वोट डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने बिलखसूस जो है वोट भी दिए बढ़ चढ़ कर और उसके साथ साथ जो है एक तरफा मुसलमानों के वोट गए। तो सबसे पहले मेरे नज़दीक मुबारकबाद के मुस्तहिक परभणी के मुसलमान हैं कि जिन्होंने बहुत सोच बूझ के साथ इस इलेक्शन में जो है वोट कास्ट किया है। उसके साथ साथ दूसरा, बंडू यादव साहब ने खुद जो है बारहा ये बात कही है कि इस इंतखाबात में जो कामयाबी उनको मिली है इसमें मुसलमानों के वोट्स का बड़ा अहम रोल है, तो ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आज जो प्रोग्राम का इनेखाद किया गया था ये खुद खासदार साहब की तरफ से जो है रखा गया था कि परभणी के मुसलमानों ने जो उनको मोहब्बत दी और उनको मुंतखब करने में जो अहम रोल अदा किया और उनकी तायद की, भरपूर ताउन किया, तो वो अपनी जानिब से उनका जो इस्तकबाल करना चाहते थे और शुक्रिया अदा करना चाहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन जो है हमको यहाँ देखने को मिला है। आने वाले दिनों में विधानसभा में भी इसका यही पैटर्न देखने को मिलेगा महाराष्ट्र? जी, इंशाअल्लाह यही स्ट्रेटजी है कि MDF के ज़रिए से जितना भी मुनज़्ज़म तरीके से काम हुआ इसके नतीजे में मुसलमानों के अंदर जो है एक एतमाद का माहौल है और अपने वोट को जो है वो एक ताकत के तौर पर महसूस कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये मैसेज भी गया है कि मुसलमानों का जो वोट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो विनिंग वाला है, खाली ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें काम करे अगर तो विधानसभा में भी हमारी इस किस्म की स्ट्रेटजी रहेंगी कि हम जो है अपने वोट को तकसीम ना करें और उसके साथ साथ जो है इत्तेफाक जिस पे होंगे, हाँ, देश के हक में, संविधान के हक में, देश में जो नफरत का माहौल है उसको ख़त्म करने के हक में और इंसानों के खास तौर पर पसमानदा तबक़ात के हुकूक के लिए जो है हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो है बंडू यादव साहब भी मौजूद थे, उसके साथ साथ फौजा तहसिन खान मैडम वो भी मौजूद थे, विजय गवाने साहब हैं और भगवान वाघ मारे साहब हैं, नदीम इनामदार साहब, इस तरह के जो है लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे प्रोग्राम में। MDF के ज़िम्मेदार में हमारे इंजीनियर अब्दुल समद साहब हैं, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब हैं, मोहम्मद अकबर साहब हैं, ये जो है डॉक्टर जफर इकबाल साहब हैं, ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। शुक्रिया MDF। मैं MDF की जानिब से जो है तमाम ही
मेहमानान का भी और उसके साथ साथ मुस्लिम बिरादरियों के जिम्मेदारान का, तंजीमों के जिम्मेदारान का, इन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने ना कि सिर्फ जो है आज के प्रोग्राम में शिरकत की बल्कि पूरे इलेक्शन कैंपेन में बहुत ही जवाबदारी के साथ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आपने अपना रोल अंजाम दिया और भरपूर जो है ताउन एमडीएफ का किया। इसको जो है सभी लोग जानते हैं और ख़ास तौर पर खासदार बंडू जाधव साहब और यहाँ मौजूद और वो ये भी जानते हैं कि कौन से सियासी लोग किस रूप में हमारे सामने थे और किस रूप में आए और किस रूप में वो जो है उन्होंने काम किया। इन तमाम चीज़ों से वो वाकिफ हैं। इवन माइक्रो प्लानिंग के साथ जो है वो इन चीज़ों को जानते हैं। रही बात अब ये कि वो तीन टर्म, अब उनका तीसरा टर्म है खासदार का, इससे पहले वो दो टर्म जो है आमदार रहे और उससे पहले कॉरपोरेटर रहे, लेकिन वो तजुर्बा रखते हैं काम का। तो हम ये उनसे ये तवक्को रखते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि शहर के विकास के अंदर वो इलाके जो आज तक
निगलेक्ट किए गए, वो माइनॉरिटी के हों या किसी और तबके के हों, उनको किस तरह से वहाँ का डेवलपमेंट किया जा सकता है। उसके अलावा हम ये उम्मीद अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी सत्ता में नहीं है, अपोजिशन में है। उसके अंदर वो इलाके जो आज तक निगलेक्ट किए गए उनके साथ वो भी जो है राज्यसभा में हमारे जो मेहनत करती है और जो है कटू यादव साहब भी जो हमारे लिए करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हालात में जो स्कीमा माइनॉरिटी के लिए है या जो जो भी स्कीमा है उससे किस तरह से जो है एक शहर के विकास में उनका फायदा जो है यहाँ के लोगों को पहुंचा सकते हैं। यकीनन आप जो है स्कीम बता सकते, आप जो है स्कीम हमको वो कर सकते हैं, काम तो हमको ही करना पड़ेगा क्योंकि हम इस फॉलो अप करने का काम वो जो है हम लोगों को ही करना पड़ेगा। आप लोग कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, मगर हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि यकीनन आप जो है हमारे मसाइल पर वक्ता वक्ता जो है हमारे जो भी जिम्मेदार भरपूर हमको साथ मिलेगा, ये उम्मीद हम आपसे करते हैं। इस मौके पर हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि ये बदलते सियासी हालात में अब जो मंजरनामा सामने आया है उसके अंदर मुस्लिम मराठा मागास वर्गीय का एक ऐसा वो बना है, पैनल बना है, मगर हम ये समझते हैं कि जैसा कि अभी हमारे जिम्मेदार बोले कि ये जो महाविकास अघाड़ी के जो उम्मीदवार चुनकर नहीं आए हैं और जो है वो महाविकास अघाड़ी से ही चुनकर आए हैं, ये बदलते मंजरनामे में हमारा जो रोल होगा और इससे जो हालात जो अभी इलेक्शन हुए हैं आने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, उन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हम मिलकर मुत्तहिद होकर जो है किस तरह से इन हालात का मुकाबला करेंगे, ये उम्मीद हम आपसे करते हैं कि आपकी रहनुमाई में इस शहर का, इस जिले का वो तमाम तालुके उसका सबका विकास होगा। यही उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, सलाम अलैकुम, आदाब। हमारे से राज्य सत्कार मूर्ति ज्यांची हॅट्रिक झाली यावेळेस, संजय उर्फ पट्टू जाधव साहेब, ज्या जिल्ह्याचे आपल्या दुसऱ्या खासदार आदरणीय पूजा मॅडम, तहसील भाई माझ्यासोबत आलेले, माझे इनामदार अतुल सरोदे, आणि ज्यांनी अतिशय चांगल्या कार्यक्रमाचं या ठिकाणी आयोजन केलं, ते बिठू भाई आणि त्यांचे सर्व सहकारी। आपल्याला ह्या ठिकाणी आल्यावर असं लक्षात आलं की खासदार साहेबांना स्वतः नोंद घेतली आणि इलेक्शनच्या अगोदर ह्या ठिकाणी एक बैठक झाली फुले विद्यालयमध्येच, पूजा मॅडमसुद्धा होत्या त्या बैठकीला, गव्हाणे साहेबही होते त्या बैठकीमध्ये, पक्षाचं काम सगळ्यांनी मिळून एकत्र येऊन काम करायचं असं ठरलं होतं आणि निश्चित त्या पद्धतीने ह्या शहरामध्ये काम झालं आणि खासदार पट्टू जाधव साहेब हे तिसऱ्यांदा बहुमतानं निवडून आले। साहेब आता ह्या शहरामध्ये काम तर झाले, सगळ्यांनी मिळून काम केले, प्रामाणिकपणे सगळ्यांनी काम केले, पण आता शहरातल्या सगळ्याच लोकांच्या अपेक्षा तुमच्याकडून फार वाढलेल्या दिसतात, कारण आतापर्यंत आपला पक्ष वेगळा, काँग्रेस वेगळा, राष्ट्रवादी वेगळं अशा पद्धतीने आतापर्यंतच्या निवडणुका झाल्या, पण ही निवडणूक आपण सगळ्यांनी मिळून लढवली आणि त्याला अतिशय चांगल्या प्रकारचं यश आलं, म्हणून तशा अपेक्षा करणं सुद्धा लोकांचं साहजिक आहे। येणाऱ्या काळामध्ये आता मिठूबाईने काही शहराच्या बाबतीत प्रश्न त्या ठिकाणी उपस्थित केले किंवा आपल्याला ह्या शहरामध्ये आपला विकास करण्याकरता एक सोडून दोन दोन खासदार आपला विकास सुद्धा त्याच पद्धतीने आपल्या शहरात होईल अशी अपेक्षा करायला सगळ्यात पुढे आहे। त्या शहराचं प्रमाण जे आहे, लोकसंख्येचं जे प्रमाण आहे, ते महाराष्ट्रामध्ये 4 नंबरला आहे मायनॉरिटीच, परंतु त्या मायनॉरिटीच्या हिशोबाने आपल्या शहरात कुठला निधी प्राप्त होत नाही। 20 ते 25 लाख रुपये फक्त
त्या शहराला मिळतात अल्पसंख्याकाच्या माध्यमातून. आणि आता आपण तुम्ही दोघंही अल्पसंख्याक विभागाकडे खूप मोठा निधी आहे, शहर सुद्धा या ठिकाणी अल्पसंख्याक आहे, त्याच्यामुळे ह्या शहराला केंद्र सरकारचा निधी फार मोठ्या प्रमाणात आणायला अशी अपेक्षा आहे. मला या ठिकाणी असं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये या शहराला ज्या काही छोट्या मोठ्या समस्या आहेत त्या आपल्या वेगवेगळ्या निधीच्या माध्यम मिठूबाईने सांगितल्या, लहान लहान काही गोष्टी सांगितल्या, त्या सगळ्या गोष्टीचं निराकरण होईल अशा प्रकारची आम्हाला अपेक्षा आहे. तुम्ही आपल्या या ठिकाणी बोलवलं, दोन शब्द बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आयोजकाचे आणि सगळ्यांचे या ठिकाणी मी आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्रजी. तिसऱ्यांदा झालेले खासदार आणि सर्व परिस्थितीवर मात करून होणारे भाग्यवान खासदार तो तू तुझ्याच वाटत, कारण मी तिसरी वेळ त्यांच्या निवडणुकीचा प्रचार करतो. दोनदा भाजप करून गेला, याचा आघाडी करतो. आणि म्हणून मी त्यांना नशिबाने त्याच्याकडचं म्हणतोय की जे महाराष्ट्रामध्ये जी जडणघडण घडवली गेली, आणि मी आपल्या बांधवांना सांगू इच्छितो की महाराष्ट्राचा बंडू जाधवचा विजय हा परभणीतला विजय हा महाराष्ट्रातला ऐतिहासिक विजय आहे. भाजपची राज रणनीती तोडणारा विजय. ही परभणी भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्राच्या उद्याच्या राजकारणाची रणभूमी म्हणून निवडली. रणभूमी कोणती? दलितांवर अत्याचार झाले, झालेच. मुस्लिम समाजाला हे वागवलं गेलं, ते वागवलंच गेलं. पण बहुजनामधला मराठ्यांना वगळून एक नवीन जातीवाद आणून ओबीसीच्या शक्तीच्या जोरावर महाराष्ट्रातला जो महत्वाचा प्रयोग महाराष्ट्रात केला गेला तो परभणीमध्ये केला. आणि हे जर ते परभणीत यशस्वी झाले असते तर महाराष्ट्र हा वेगळ्या दिशेने, वेगळ्या राजकारणाच्या दिशेने पुढे गेलेला. म्हणून परभणीचा विजय हा मी महाराष्ट्राच्या राजकारणातली एक ऐतिहासिक नोंद मानतो. कारण हा विजय घडत असताना जाणकारांना इथे उभं करत असताना मुख्यमंत्री आले, दोन उपमुख्यमंत्री आले, महाराष्ट्राचा सर्व लुटलेला खजाना या निवडणुकीमध्ये 100-150 कोटी रुपये या परभणीमध्ये खर्च केले गेले. नरेंद्र मोदी येऊन गेले, एक एक तालुका एक एक आमदार आणला, एक एका मंत्रालय एक एक विधानसभा मंत्रा सांगा. हा एवढा प्रयत्न परभणीमध्ये का चालला होता? काय बंडूंची त्यांची एवढी मोठी दुश्मनी होती? दुश्मनी बंडूंची नव्हती, दुश्मनी उद्धव ठाकरेंची होती, दुश्मनी शरद पवारांची होती, दुश्मनी इथल्या पुरोगामी शक्ती संपवण्याची होती. इस मंच पे मौजूद जनाब संजय जाधव जी, जिनका सरकार तो रखा गया है लेकिन जो यहाँ आए हैं हम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, बहुत बड़ी बात है. पहली बार इस तरह की चीज़ हमने देखी है कि कोई कैंडिडेट चुन के आने के बाद एक्नॉलेज करने को आ रहा है कि आप लोगों ने मेरी मदद की और मैं भी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ पर आऊँ और इस बात को एक्नॉलेज करूँ. तो इस मंच पे दूसरे विजय गवाने जी है, हमारे बागमारे जी है, रविउद्दीन साहब है, नदीमी नामदार है और सभी जो इस मंच पर उपस्थित हैं और सामने बैठे हुए मेरे भाई. सबसे पहले मैं संजय जाधव जी को मुबारकबाद पेश करती हूँ
आप सब की तरफ से इस बहुत ही ऐतिहासिक जीत के लिए। और जैसे विजय गवानी जी ने कहा कि ये बहुत बड़ी जीत थी, जायंट किलर रहे हैं, और ये जायंट किलर इसलिए रहे हैं कि जो रणनीति बनी थी महाराष्ट्र की, उसका एक सबूत था कि उन्होंने जो कैंडिडेट हमारे इंडिया आघाड़ी के कैंडिडेट के खिलाफ यहाँ दिया था, उसका बहुत दूर दूर तक असर होने की उम्मीद हो रखते थे। लेकिन लीड सिटी, तो एक बहुत सम्मानपूर्वक जीत के लिए मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। इस जीत का ये सबूत है और उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी पर लोगों का विश्वास, उनका भरोसा, और इस डेमोक्रेसी को बनाए रखने की जो जिद थी लोगों की, उसकी जीत रही, और इसीलिए ये बहुत बड़ी जीत रही। क्योंकि ये सारे हिंदुस्तान की आवाम ने ये साबित किया कि हमारे जमहूरियत के साथ, हमारे दस्तूर हिंद के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जमहूरियत है हमारे मुल्क की, और उसको हम सब ने मिलकर उठाया है, उसका परचम बुलंद किया है। इसके लिए आप सबको भी मुबारकबाद, और जितने समाजों ने मिलकर इस बेड़े को उठाया, उन सबको मुबारकबाद। आज हाल ये है कि भले ही मोदी सरकार आज आई है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी जीत है जिसमें शर्मिंदगी है। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जीत तो हुई है लेकिन उस जीत का मजा नहीं है। ऐसा है आज का ये जो प्रोग्राम है, एनडीएफ की तरफ से ये प्रोग्राम आज रखा गया है, जिसमें खास तौर पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजू बड्डू यादव साहब, अभी क्योंकि इलेक्शन आए और उसके रिजल्ट भी हमारे सामने आ गए, और आप जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हुए, तो इस मत में एक ऐसा बालिया प्रोग्राम भी रखा गया है। खास तौर पे एनडीएफ के जरिए जो मुस्लिम कम्युनिटी बरदरी, जिन्होंने जो है खसूस इलेक्शन में खास तौर पर काम किया है इनकी तरफ से, इसमें हमारे मैडम भी हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से। असल में एनडीएफ ने महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये महाराष्ट्र की सदा इलेक्शन को सामने रखते हुए, और इसमें खास तौर पे मुल्क की जो सिचुएशन, जो सिनेरियो था, इस सिनेरियो को सामने रखते हुए आइंदा के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, इससे एनजीओ, उसके अलावा सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं या जो भी पार्टीज हैं, एक्टिविस्ट हैं, इनके साथ मिलकर जो है ये फोरम का क्याम 22 सितंबर 2023 को डेमोक्रेटिक फोरम के नाम से एक फोरम बनाएंगे, और इसके तहत एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे पूरी कि कैसे जो है अब हुकूमत में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो मुल्क में नफरत का माहौल पैदा कर रही है, जो जातिवाद कर रही है, पूंजीवाद कर रही है, मुल्क को जो है नुकसान की तरफ लेके जा रही है, और आइंदा भी जो इनके इरादे हैं वो नेक नहीं है, तो इसका जाहिर सी बात है एक इम्पैक्ट तो ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी को तो नुकसान हो गया ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के संविधान को भी इससे नुकसान होगा, मुल्क की अदर जो कम्युनिटीज़ हैं इन कम्युनिटीज से भी इसको जो है नुकसान होगा। और दूसरी तरफ ये कि ये पूरी फेलियर है अपने कार में, इन्होंने जो भी काम किए हैं इससे अंदाजा होता है कि बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, उसके अलावा करप्शन हुआ है, स्कैम हुए हैं, और जिसमें निर्मल देसाई साहब हैं, जो लोकसभा के लीडर हैं, उसके अलावा जो अलका महाजन आरोप हैं, आज के सरकार मंत्री माननीय खासदार बड्डू जावी साहब को मधु करता हूँ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरी मुराद बड्डू जावी साहब से। दो हजार
चुनाव में जिन जिन लोगों ने ये जान से मेहनत की, उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं सबको बुलाना चाहता हूँ। और डॉक्टर जफर साहब ने इसकी तकलीफ उठाई और आप सबको यह बताया, यहाँ मौजूद हॉस्पिटल सभी मान्यवर, जहाँ हमारे भोजन मैडम है, तहसील साहब है, भवानी साहब है, बागमारे साहब है, सरोदी जी, नदी नामदार जी, मिट्टू भाई, सभी सम्माननीय अतिथि उपस्थित, सभी मेरे भाइयों और दोस्तों, 2024 का चुनाव एक चुनौती था। मैं इसके पहले जितने भी चुनाव लड़ा हूं, अभी के चुनाव के अगेंस्ट लड़ा था, और अभी इस बाजू में आके लड़ते समय बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव होने के बाद मैंने एक दो जगह मैडम स्टेटमेंट भी किया कि ये चुनाव में मुझे मुसलमान समाज ने बहुत अच्छे तरीके से नवाजा है, इसका धागा पकड़ते हुए हमारे राज्य के डिप्टी सीएम, इस राज्य के गृह मंत्री, बीजेपी के विधायकों के बैठक में तकरीर करते समय बोलने लगे कि परभणी के सांसद का कहना है कि मैं मुसलमानों के वोटों से चुन के आया, तो मैं बड़ा फख्र की बात है, मैं तो गर्व से कह रहा हूँ कि मैं चुन के आया तो आया बोल रहा हूँ, प्यार किया तो डरना क्या, मैं ये बोल के बता रहा, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप कई जिलों में तो शाही लगाकर 1000 रुपए देके तुम चले जाओ बोल के बोलने वाले थे, वो तो कुछ चल रहा था क्या? तुमको वोट देता है तो सब अच्छे हैं, तुमको वोट नहीं देता तो वो बुरे हैं का आबा, बराबर है ना? उन्होंने कोई 5000, कोई 7000, कोई 10000, उनका गेम बराबर था। फिर हमने बोला अब इसको क्या बताएंगे, तो हमने बोले अपना 2 नंबर का बटन है, पहले मशीन पे 2 नंबर। उन्होंने बहुत सारे बूथ पे मशीन उल्टे लगा दिए, वो 2 नंबर पे हमारे को छोड़ दे। अरे हर जगह हमारे को हराने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश में नाकामयाब हुए। जब ऊपर वाले ने साथ देने की बात तय की होगी तो फिर बाद में कोई भी उसको नहीं रोक सकता, और ये आप सब लोगों की दुआ थी, आप लोगों का योग था, सहयोग था, उसकी वजह से मेरे को अच्छे तरीके से वोट भी मिले और चुनके आने में मैं सफल भी रहा। उस सफल की कामयाबी मैं मुझको को देने बजाय मैं आप सबको दूंगा कि आपने जिस ढंग से ये इलेक्शन में काम किया, मैंने हर जगह बोल के बताया, मैं हमारे लोग तो भी बढ़ गए, हमारे लोग तो बढ़ गए, लेकिन मुसलमान का कोई आदमी बटा नहीं, इसका मुझे फख्र है। अब 4-2 लोग कुछ इधर उधर करते रहते लेकिन उनका कोई सुना नहीं आवाम ने, ये भी हकीकत है। तो इसलिए मैंने जफर साहब से कहा कि भाई जिन जिन लोगों ने अपने लिए पूरी जी जान से मेहनत की है, उन लोगों से एक बार मैं मिलना चाहता हूँ, और आज मिलने का आपसे मौका आया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी मोहब्बत आगे भी रहे। हमारे मिट्टू भाई ने बताया कि हम किस किस लड़ते गए, कैसे हमने सामने आते गए, लेकिन अब आज हम साथ में हैं। वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, वक्त जैसा आता है उस तरीके से चलना पड़ता है। निश्चित मिट्टू भाई गिल्ली शिकवे कुछ भी होंगे, लेकिन यहाँ से आगे तुम आवाज़ देंगे, हम आपके साथ रहेंगे, ये आपसे वादा है। आखिर वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांध कर आया जगह में हाथ पसा ले जाए, आपको साथ कुछ लाए नहीं, कुछ ले जाने वाले नहीं, कवाली अपनी वो चढ़ता सूरज उस तरीके की बात है। आप उन एक दूसरे के काम आए, यही सब में बड़ा सवाब का काम है। जहाँ भी मेरी ज़रूरत है आप आवाज़ दो, मोइन मौली मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। विकास के बारे में भी जो कहा गया है कि जहाँ जहाँ भी कोई आप सभी बोलेंगे मेरे को दिए कुछ विकास होगा, समाज की तरफ से आपने अच्छे काम, जो बड़े बड़े काम हैं, जो शादी खाने बनाने हैं, कुछ लोगों का कहना है, ऐसे जो भी अच्छे काम में आए, जो एजुकेशन के बारे में मैडम ने बताया,
कि बहुत सारे बच्चों की अभी स्कॉलरशिप विलरशिप ये सब बंद हो गई है, उसको चालू करने में आप लोग मदद करेंगे, पार्लियामेंट में उसमें सवाल उठाएंगे। अच्छे काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे काम में जहाँ भी जरूरत है वहाँ हम आपके लिए हाजिर हैं। आखिर वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांध कर आया जगह में हाथ पसा रह जाए। आपको साथ कुछ लाए नहीं, कुछ ले जाने वाले नहीं, कवाली अपनी वो चढ़ता सूरज उस तरीके की बात है। आप उन एक दूसरे के काम आए, यही सब में बड़ा सवाब का काम है। जहाँ भी मेरी ज़रूरत है आप आवाज़ दो, मोइन मौली मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। विकास के बारे में भी जो कहा गया है कि जहाँ जहाँ भी आप सभी बोलेंगे मेरे को दिए तो विकास होगा। समाज की तरफ से आपने अच्छे काम, जो बड़े बड़े काम हैं, जो शादी खाने बनाने हैं कुछ लोगों का कहना है, ऐसे जो भी अच्छे काम में आए, जो एजुकेशन के बारे में मैडम ने बताया कि बहुत सारे बच्चों की अभी स्कॉलरशिप विलरशिप ये सब बंद हो गई है, उसको चालू करने में आप लोग मदद करेंगे, पार्लियामेंट में उसमें सवाल उठाएंगे। अच्छे काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे काम में जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ हम आपके लिए हाजिर है। आखिर देखो ये चुनाव चुनाव है, लेकिन हमारे तुम्हारे रिश्ते, हमारे तुम्हारे ताल्लुकात आज से नहीं है, बचपन से, वो आके बरकरार रखना है तो हम एक दूसरे को समझ के लेके चलना है। इतना ही कहता हूँ, बहुत देर हो चुकी है, मैडम को अभी तक खाना नहीं मिला सके थे, वो बहुत देर से जाना चाहते लेकिन तुम लोगों ने ऐसा बिठा दिया कि अब वो उठ भी नहीं पा रहे, लेकिन इसलिए मैं ज़्यादा अपना वक्त नहीं जाया करूँगा। इतना ही कहते हुए आप सबको फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया गया उसके लिए मैं सबसे जो हमारे यजमान हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, थैंक यू। 26 मई 2024 और जैसे ही लोकसभा के चुनाव परभनी में वोट डाले गए तभी से कयास लगाया जा रहा था कि खासदार संजय उर्फ बंडू यादव जो कि अपनी हैट्रिक की तरफ बढ़े हैं वो हैट्रिक ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनके सामने जो बीजेपी अलायंस के कैंडिडेट महादेव जानकर थे वो बाहर से थे और अचानक से उनको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था उनके नाम को और वहीं से एक प्लस पॉइंट शुरू हो गया था संजय यादव के लिए। और फिर उसके बाद जब इलेक्शन प्रचार शुरू हुआ और प्रचार के दौरान जिस तरह से प्रचार में पूरी ताकत लगाई गई, देश के पंत प्रधान दो बार से पंत प्रधान रहे नरेंद्र मोदी, उन्होंने यहां आकर महादेव जानकर को अपना छोटा भाई कहा, उन्हें जिताने के लिए अपील की, वोट मांगे उनके लिए और महाराष्ट्र के रनिंग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस, तमाम तरह की ताकतें लगाई गई लेकिन परभनी का जो गढ़ था शिवसेना का उसको नहीं हिलाया जा सका। 1,34,061 वोटों की भारी जीत से संजय उर्फ बंडू यादव इन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की और इस हैट्रिक का श्रेय उन्होंने परभनी लोकसभा के मुसलमानों को दिया। और ख़ास तौर पर आज का जो प्रोग्राम रखा गया था ये प्रोग्राम भी बंडू यादव जो एमपी तीसरी बार बने हैं उन्होंने अपनी जानिब से रखा था कि तमाम जो बरादरियां हैं परभनी लोकसभा की उन तमाम बरादरियों का और एमडीएफ के जानिब से जो ये बैनर आप मेरे पीछे देख रहे हैं महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम, इन्होंने और तमाम बिरादरियों ने मिलकर जिस सूझबूझ के साथ जिस यूनिटी के साथ और प्लानिंग के साथ इस बार वोट किए ये ऐतिहासिक है, अभी तक का रिकॉर्ड ब्रेक ये यूनिटी रही है और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। और खुद संजय यादव ने सभी का शुक्रिया अदा किया है और यही फार्मूला आने वाले विधानसभा के अंदर और तमाम चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा और ऐसे ही नतीजे आएंगे इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीमपुर।